बोडला आत्मनंद स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं ने जिला शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय के सामने घंटों बैठे रहे। छात्र छात्राएं एवं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध रोष व्यक्त करते हुए शासन पर नाकामी का आरोप लगाया। कवर्धा के बोडला आत्मानंद स्कूल के समस्त छात्र छात्राएं आक्रामक धरना प्रदर्शन रोड शो करते हुए नजर आए। आत्मानंद स्कूल के छात्र छात्राओं का शासन से यह मांग था कि विगत दो वर्षों से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी कक्षाओं में शिक्षकों की कमी है। उन्हें मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि विगत दो वर्षों से प्रमुख पाठ्यक्रमों के लिए आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों के अभाव के चलते उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, क्योंकि टीचर नहीं है सर। हम लोग इतना दूर से धूप में 12 बजे आते हैं, ऊपर से हम लोग का दो क्लास होता नहीं है। हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, हम लोग दो साल से ऐसी ही ना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। भूगोल अर्थशास्त्र का हो ही नहीं रहा है। हम लोग दो साल से ऐसे चाह रहे हैं, हम लोग कब से मांग कर रहे हैं, फिर भी हम लोग का मांग पूरा ही नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो छात्र छात्राओं की मांग जायज है। हमारी सरकार देश में शिक्षा विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, लेकिन यहाँ कवर्धा जिले में छात्र अपनी शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। कहा गया है कि शिक्षा से व्यक्ति खुद के अलावा अपने परिवार, गांव, जिला, प्रदेश और समाज की तरक्की के रास्ते पर चलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। छात्र विगत दो वर्षों से बिना शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे में उनका भावी भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। बता दें कवर्धा जिले के आत्मानंद स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों का अभाव रहा। सभी बोडला ब्लॉक, पंडरिया, लोहारा, कवर्धा सभी आत्मानंद स्कूलों में 1200-1500 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। शिक्षकों की संख्या महज 10 से 12। ऐसे में जिले के होनहार विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। बहरहाल छात्र छात्राओं के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी योगदास साहू तुरंत धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी मांग को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 5 शिक्षक जन भागीदारी समिति को दायित्व सौंपा। वही बोडला एसडीएम गीता रायस्त द्वारा छात्र छात्राओं को आश्वासन देते हुए जल्द से जल्द उनकी मांग को छत्तीसगढ़ शासन तक अग्रेषित करने की बात की। कवर्धा से पीडी मानिकपुरी की रिपोर्ट। लाया गया है करके टीआई सर आरोप लगा रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर। आप सर मीडिया वाले के एक बच्चे से पूछ लो, उनकी समस्या पिछले 8 महीने से बना हुआ है और टीआई सर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे को भड़का के लाए करके। बच्चे अगर एक भी बच्चे बोल देंगे भड़का के लाए हैं करके तो ये आंदोलन यही समाप्त कर देंगे अपन। एक बच्चे बोल देंगे कि हमको भड़का के लाए हैं करके। हमारी मांग है सर, बोडला स्कूल में पिछले 8 महीने से टीचर की व्यवस्था नहीं किया गया है और हम लेटर के माध्यम से बार बार एग्जाम मैडम को और बीओ सर को और प्राचार्य सर को अवगत करा चुके हैं। उसके बाद भी अभी भी पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षक की व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। और अभी हम कल जाके आके आवेदन दिए हैं और आवेदन देने के बाद बच्चों को लेके अपन यहाँ बैठे हैं ताकि इनकी व्यवस्था किया जा सके, टीचर की व्यवस्था किया जा सके।